इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। उसके फौरन बाद उन्होंने साफ कह दिया कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा, सख्त से सख्त सजा उसे दिलाई जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आगे किस तरह से जांच होगी, उन्होंने ये नहीं बताया, क्योंकि सीबीआई जांच को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। कई लोग ये कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि जो उचित कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई होगी और पूरा मामला, क्योंकि कई अहम सबूत सामने आ चुके हैं। उन्होंने खुद कहा चार बड़े अफसर निगरानी कर रहे हैं इस पूरे मामले की। सीएम ने साथ ही साथ ये भी कहा कि एक कई अहम सबूत जो हैं वो मिल चुके हैं, इसलिए पूरे मामले में जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बचेंगे दोषी, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलेगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि खुद वो एक महंत हैं और गोरक्षधाम पीठ के वो महंत हैं, और ऐसे में एक महंत की मौत पर जब वो पहुंचे नरेंद्र गिरी, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे, वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर श्रद्धांजलि देने के बाद ये प्रमुख और अहम बातें कही। की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम जो यहां के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचे, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी समेत तीन को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में चल रही जांच पर क्या कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का, सुनते हैं। जी, वो इसमें जो सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी और अन्य दो व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाए थे और उसी आधार पर ही इनको डिटेन किया गया था, और अन्य जो चीजें हैं वो जो सुसाइड नोट में है उस पर गहन विवेचना विवेचक कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई तभी होगी जब विवेचक किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। सकते हैं कि इसमें कोई एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई दबाव मेंटली रहा होगा, जिसकी वजह से किया, कुछ इस धाराओं में भी करेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की बात भी इसमें कर रहे हैं लोग। हमारी टीम स्थानीय पुलिस की पूरी तरीके से इस पर कार्य कर रही है और मुख्यालय से सभी तरह के साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करना तथा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनहित में अगर राज्य सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो राज्य सरकार का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, हम पूरी तरीके से इस गुस्ती को सुलझाने में सक्षम हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ है और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार प्रयागराज से। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, साफ तौर पर चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वक्त दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और चार बड़े अफसर पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, तो जांच किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ेगी स्पष्ट है। देखिए श्वेता, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी, संतों से मुलाकात की जो कि पंच परमेश्वर कहे जाते हैं, जो कि इस मठ में
उनकी एक अलग जगह है। वहां से निकलकर जब मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं कि चार बड़े अधिकारी जिसमें कि एडीजी प्रयागराज, आईजी जोन, इसके अलावा डीआईजी और साथ साथ जो कमिश्नर हैं, इन चारों की टीम मिलकर इस पूरे जांच को आगे बढ़ा रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर यह भी इशारा है कि अगर इसमें कहीं कोई फाउल प्ले है, यानी कि कहीं हत्या की तरफ भी आशंका है, इशारा है, तो उसकी भी पूरी जांच होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वो काफ़ी देर तक यहां बैठे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, मुलाकात की और उसके बाद इतनी बातें कहकर वो वापस चले गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक एक करके बातें सामने आ रही हैं, बताया गया कि एक वीडियो भी उन्होंने अपना बनाया है जिसमें कि उन्होंने अपनी बातें, जो मनोदशा है उसे रखी है, छः पेज का उन्होंने अपना एक बकायदा सुसाइड नोट लिखा है। जो जिन लोगों ने दरवाजा खोला था चश्मदीद थे, इन तीनों लोगों ने आज तक से बात भी की अलग अलग और सबके बयान पुलिस भी अब दर्ज कराने जा रही है। तो कुल मिलाकर जांच की दिशा लगभग तय हो चुकी है कि क्या ये हत्या है या फिर ये आत्महत्या, ये चारों जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी टीम तय करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि अनावश्यक बयानों से बचना चाहिए और निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, चित्रा के पास चलते हैं। चित्रा, देखिए तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आपने उनकी बहन से भी बात की है। जो दूसरे साधु संत या महंत कह रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी बहन जो कहते हैं ना खून का रिश्ता, जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी, वो साफ तौर पर कहती है कि मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने कि परिवार के लोग बिल्कुल इनकार कर रहे हैं इस बात से कि उन्होंने सुसाइड किया होगा, और इसी वजह से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की जा रही है, जिसका भरोसा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से देकर गए हैं। लेकिन जांच कैसे आगे बढ़ेगी, देखिए मामला जिस तरह का दिख रहा है दरअसल उससे कहीं ज्यादा पेचीदा अभी नजर आ रहा है, क्योंकि इतने बड़े मठ के, इतने बड़े महंत के सुसाइड से जुड़ा हुआ ये मामला है। चूंकि प्रथम दृष्टया इसी बात को मानकर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, और इसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरह से उनके उत्तराधिकार को लेकर इसके पहले मई के महीने भी उनके और उनके शिष्य के बीच में काफी ज्यादा बवाल हुआ था। हालांकि बाद में माना यही जा रहा था कि शिष्य ने माफी मांगी है, जिसके बाद उनको माफ करके पटाक्षेप पूरे मामले का कर दिया जाता है। लेकिन मामला वहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि आरोप जो लगे हुए हैं उस शख्स के ऊपर, कहा यह जा रहा है कि लगातार मानसिक तौर पर उनको वो परेशान करता था। और यहां पर समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व दर्जा प्राप्त एक मंत्री का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है एक वीडियो के जरिए। अब उस वीडियो में क्या कॉन्टेंट है, किस तरह से महंत जी को, महाराज को थ्रेट दिया जाता था या धमकी दी जाती थी या बार बार कहा जाता था कि नहीं, अगर मेरी बात अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपको, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिला भी बाकी है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो गाड़ी है जिसे प्रयागराज के चारों चक्कर लगाया करते थे और गंगा नदी में भी जाया करते थे। हम सब ने देखा है कि महाराज जी किस तरह से, खुद मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज जब यहां पर प्रयागराज में कुंभ लगा था कितना भव्य और दिव्य था, दुनिया भर में उसकी सराहना हुई थी, तो उसका श्रेय महाराज जी को भी जाता था। लेकिन नरेंद्र गिरी जी अब हमारे बीच नहीं है, हर कोई स्तब्ध है कि इतनी मजबूत दिमाग का आदमी जो सनातन परंपरा को लेकर आगे बढ़ता हो, जो दूसरों को ज्ञान देता हो, जो दूसरों की जो सीख देता हो, उसकी किसी भी समस्या के लिए यहां की सरकार यकीनन, चूंकि वो इतने बड़े कद के आदमी थे, उनको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती एक फोन कॉल पर उस समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां क्रिएट कर दी गई जिसके बाद महंत नरेंद्र गिरी को सुसाइड करना पड़ा, यह अपने आप में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला यह मामला है। और यकीनन बहुत ज्यादा गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी जो चीजें दिखाई दे रही हैं दरअसल वो सिर्फ इतनी ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं, इसके पीछे अभी बहुत सारे गहरे राज हैं जिसका पर्दाफाश होना बाकी है। जिन जिन लोगों के नामों का जिक्र किया गया है, देखिए पुलिस को यह बताना पड़ेगा कि कुल कितने नामों का जिक्र किया गया है उन्होंने अपने सुसाइड नोट में, क्या किसी पुलिस अधिकारी के नाम का भी जिक्र है, क्या किसी समाजवादी पार्टी के मंत्री का भी जिक्र है, क्या मौजूदा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर खुद आनंद गिरी जिनका नाम साइड नोट में है चित्रा, वो खुद साफ कह चुके हैं कि भाई इसमें बहुत बड़ी साजिश है और इसमें कई पुलिस वाले भी हैं, तो इसीलिए अभी ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का पूरा विषय है और उसके बाद ही कुछ बात जो है वो साफ हो पाएगी। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। और इस बीच आपको बता दें कि इस मामले में कई सवाल जैसा कि उठ रहे हैं लगातार, जिनका जवाब तलाशना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती फिलहाल बना हुआ है। पूरा का पूरा षड्यंत्र है मुझे फंसाने की, पूरी रूपरेखा तैयार करके उनको मारने की संरचना बना करके, जिस गेस्ट हाउस में वो सोए थे उस गेस्ट हाउस के दो दरवाजे हैं,
सीसीटीवी फुटेज में अगर वो आएगा तो दिखेगा कि एक दरवाजा जो अंदर जाता है दूसरा बाथरूम से सीधा बाहर निकलता है। हो सकता है कि बाथरूम के दरवाजे से कोई व्यक्ति अंदर आया हो, उनको मार करके लटका करके फिर बाथरूम के दरवाजे से बाहर चला गया हो और पुलिस को केवल यही दरवाजा दिखाया गया हो कि एक ही दरवाजा है साहब, हो सकता है ये दिखाया गया हो। लेकिन मुझे विश्वास है कि जाँच होगा तो जाँच और जो फिंगरप्रिंट इत्यादि जो कुछ होता है उसका विषय लिखते थे लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में, थोड़ा सा टूटी फूटी लाइनें उनकी होती थी, बहुत राइटिंग नहीं आती थी लेकिन लिखते थे वो। और जो उन्होंने 5 से 6 पेज का लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, आपने देखा है उसको? जी मैंने देखा था लेकिन पढ़ा नहीं था उसको, प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। आपने मतलब सुसाइड नोट देखा था? जी बिल्कुल देखा था। उसको देखने के बाद क्या लग रहा कि ये महाराज जी की राइटिंग है? एक लिफाफे में था भैया वो। अच्छा। हाँ महंत जी का ही लिफाफा था और वो उसी लिफाफे के अंदर सारी चीजें थी। बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फोन में और वो फोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। वो कैसा वीडियो है? वो शायद मैंने सुना तो नहीं, बस देखा है उसको कि वीडियो बना है और वो वीडियो शायद वही है जो उन्होंने लिखा है। तो शायद वो समझ रहे होंगे कि मेरे न रहने के पे ये भी सवाल उठाया जा सकता है, तो उन्होंने बोल पे भी ये बात कही है शायद। सुसाइड नोट और अन्य बातें जो बताई गई हैं उसका अभी कंटेंट पूरा स्टडी किया जा रहा है, इसमें पूरी टीम देखकर उसके बाद बताएगी कि कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। FIR इसमें अभी 6 पेजिस का बताया गया है लेकिन अभी ये सब चीज़ें सील की जा चुकी हैं और उसके बाद जो तहरीर प्राप्त होगी जिन लोगों का इसमें दोष होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जब जांच करेंगे उनका मोबाइल का CDR निकलेगा, आश्रम की CCTV फुटेज निकलेगी, लगातार किससे बात होती थी, 3-3 उनके नंबर थे, 3 नंबरों पे लगातार कौन बात करते थे, क्या डीलिंग होती थी, किससे क्या पैसा लिया, किसको कितना पैसा पहुंचाया गया, वो सारी चीजें खुलेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं उस पीठ का रजिस्टर्ड उत्तराधिकारी था, मेरे नाम पे उन्होंने बिल कर रखी थी, फिर क्या कारण बना अचानक कि उन्होंने मेरे खिलाफ इस प्रकार से मोर्चा खोला? जमीन बेचना चाहते थे, क्यों बेचना चाहते थे, क्या कारण था? मुझे लगा कि ये विषय इतना बड़ा नहीं होगा, हो सकता कि मेरी हत्या हो जाए, मैंने उस समय अंदेशा जताया था। अनंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से सब हैरान है। पुलिस का कहना है कि नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया। आखिर आनंद गिरी कौन है, उनका महंत नरेंद्र गिरी से क्या विवाद था, उस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बागंबरी गति में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं, इनका अधिकार है। हमेशा गुरु तो होते हैं पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे से सिबत में। इस वीडियो के जरिए महंत नरेंद्र गिरी ने दुनिया को बताया था कि उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी को माफ कर दिया है, लेकिन नरेंद्र गिरी के पैरों में गिरकर जिस शिष्य ने माफी मांगी थी वही उनकी संदिग्ध मौत के बाद सबसे ज्यादा सवालों में है। ये आनंद गिरी है, महंत नरेंद्र गिरी का वो शिष्य जिसके बारे में दावा है कि उसका नाम नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में है। जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, उन्होंने आत्महत्या की लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है जी। उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में जी, उसमें भी उनका भी नाम है लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। 14 मई 2021 को आनंद गिरी को अखाड़े और बागंबरी गद्दी से बाहर कर दिया गया। नरेंद्र गिरी ने कहा कि बड़े हनुमान मंदिर के दान चढ़ावे के पैसों को आनंद गिरी अपने परिवार पर खर्च कर रहा है। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वरों की सहमति के बाद आनंद गिरी पर एक कार्रवाई की गई। लेकिन आनंद गिरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए अपने गुरु नरेंद्र गिरी पर कई गंभीर इल्जाम लगाए थे। इसमें सबसे गंभीर आरोप मठ की करोड़ों रुपए की जमीन को बेचने और उन रुपयों का दुरुपयोग करने का था। आनंद ने कहा था कि उनके गुरु नरेंद्र गिरी के कई बड़े और महंगे शौक हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए नरेंद्र गिरी मठ के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मठ के कई सेवादारों के परिवारों पर भी करोड़ों रुपया खर्च करने का आरोप आनंद गिरी ने लगाया था, लेकिन बाद में गुरु शिष्य में समझौता हो गया। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने
क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने भूल के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस देता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी शहर में आनंद माफ करता हूँ। ओम नमो नारायण। इसके बाद लगा कि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य हो गए हैं, लेकिन नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिस तरह से आनंद का नाम होने की बात की जा रही है उसने इस मामले को और भी उलझा दिया है। आज तक से बातचीत में आनंद गिरी ने दावा किया कि उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। जिन्हें अपने पूरे जीवन काल में कभी एक पत्र भी नहीं लिखा वो इतना बड़ा सुसाइड नोट भी लिख सकते। हमारे गुरु जी का व्यवहार बेबाक था और बहुत मजबूत था, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। और मैं जब से गुरु जी के साथ हूँ, बचपन से गुरु जी के साथ में हूँ, वो व्यक्ति कभी भी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। उनकी हत्या संपत्ति के लालच में की गई है। एक साल पूर्व ये विवाद आरंभ हुआ, सबसे पहले मुझे उनसे दूर किया गया, उनसे अलग किया गया, आज उनकी हत्या करके मुझे फंसा करके दोनों जड़ों को एक साथ काटने की कोशिश की जा रही है। आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का प्रिय शिष्य माना जाता था। पंचायती अखाड़े निरंजनी से जुड़े स्वामी आनंद गिरी संगम लेटे हनुमान मंदिर के छोटे महंत थे, लेकिन संत परंपरा का निर्वहन न होने पर उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इससे पहले साल 2018 में आनंद गिरी पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक विदेशी महिला से छेड़खानी का आरोप लगा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने आनंद गिरी को पकड़कर जेल भेज दिया था। इस तरह आनंद गिरी का विवादों से पुराना नाता है, जिसमें सबसे बड़ा विवाद अपने ही गुरु को परेशान करने का जुड़ गया है। अजय सिंह सिपाही है, जो उनके सिपाही हैं वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने ये आत्महत्या की हो सकती है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से हर कोई हैरान है। पुलिस उनके मठ को कब्जे में ले चुकी है, वहीं आनंद गिरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लखनऊ से पंकज श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। शिष्य सर्वेश द्विवेदी ने महंत के पार्थिव शरीर को उतारा था, उनसे बात की हमारे संवाददाता चित्र त्रिपाठी ने। अपने फंदे से उतारा था महाराज जी के जी, जी। सबसे पहले आपने ही दरवाजा खोला था। हम और सुमित और धनंजय 3 लोग अंदर, जब दरवाजे को धक्का दिए हाँ। तो 3 लोग अंदर गए तो महाराज को लटकता हुआ देखा, सुमित उनको पकड़ लिया, फिर हम चाकू मंगा के दरवाजे को धक्का दिया गया, ये दरवाजे को तोड़ा गया। ये दरवाजा जैसे है हमारे पीछे ऐसे हाँ। दरवाजा था अच्छा। इसी दरवाजे को आगे से खींच करके जाली जब खींचा गया हाँ। तो कुंडी निकल गई, अब तेज से धक्का दिया गया तो ऊपर की कुंडी उनकी टूट गई। अच्छा, ऊपर की कुंडी टूट गई। फिर आप लोग अंदर दाखिल होते हैं, महाराज जी का शव लटकता हुआ आपको दिखाई देता जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चाकू मंगा करके हम लोगों ने शव को काट करके नीचे उतारा हाँ। फिर आजी प्रयागराज और थाना जाट टाउन को फोन द्वारा सूचित किया गया। पूरा का पूरा दरवाजा अंदर से बंद था, कोई भी दरवाजा अंदर जाने का कोई चांस नहीं था। दरवाजा तीनों तरफ से बंद था, जी एक लैट्रिन का है, 2 सामने का है, एक जाली वाला है, एक और दरवाजा है। आपने चूंकि सबसे पहले देखा था तो ये बताइए कि आप वास्तव में उनका जो शव लटकता हुआ मिला था वो उन्होंने सुसाइड किया था या फिर उनकी हत्या की जा सकती है? सुसाइड किए थे। आप लोगों की नजर में वो सुसाइड लग रहा है, कोई अंदर जाने का कोई चांस नहीं, तो ऐसे हम हत्या को कैसे नाम दें? तो जब आपने पार्थिव शरीर को उतारा फंदे से, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? पार्थिव शरीर को उतारने के बाद तत्काल आईजी प्रयागराज और थाना जाट टाउन को फोन किया गया हाँ। फिर अपने सभी संबंधित थोड़ा सपोर्ट कराएंगे, हमें बताएंगे कि अंदर की वो कौन सी जगह है। देखिए अंदर हम लेकर चलते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, इस वक्त उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आ चुके हैं, आप इधर आइए। वो कौन सी जगह है यहाँ की, जरा बताएंगे आप? वहाँ पर वही जगह है, इस झोपड़ी के उधर वाली जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में ये हुआ है, झोपड़ी के पीछे वाली बिल्डिंग में उनका। थोड़ा सा इधर आइए, पास आइए, हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये सामने वाला सर्वेश जी आप बता रहे हैं कि ये सामने वाला उसी में उनका पार्थिव देह लटका हुआ मिला था जी। और आप लोग शुरू में कितने, 3 लोग गए थे अंदर? हाँ 3 लोग हम लोग अंदर गए थे और सभी शिक्षक बाहर थे क्योंकि ज्यादा कमरे में जगह नहीं थी, भीड़ ज्यादा थी इसलिए। लोगों ने जब देखा उनके पार्थिव देह को कि लटकता हुआ, उसके बाद और क्या किया सर? पुलिस को सूचना दिया गया, उसके बाद मंदिर पे जो अमरगिरी महाराज है उनको सूचना दिया गया, सभी लोग एक दूसरे को फोन किए, फिर सब लोग आ गए। फिर सुसाइड नोट जो बरामद हुआ है वो आप लोगों ने देखा था? सुसाइड नोट बरामद हुआ था, उस 2 लिफाफे में हम ले लिए थे, उसके बाद पुलिस प्रशासन को उसको दे दिया गया। पढ़ा था सुसाइड? हमने नहीं पढ़ा था जी।
क्या कोई वीडियो भी है महाराज जी का? ऐसा कुछ नहीं, हमें नहीं जानकारी है, वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं, सुसाइड नोट जानते हैं। कितने पन्नों का सुसाइड नोट था जो लिफाफे में आपने बताया जा रहा है? लगभग 5-6 पन्ने का था। लगभग 5-6 पन्ने का था, उसमें किसका नाम लिखा हुआ था ये हम लोग नहीं जानते।